औद्योगिक नगरी पीथमपुर में सेक्टर 1 में पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले एक गिरोह को धर दबोचा है। यहां लोग आधी रात को पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये खास खबर। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के थाना सेक्टर 1 के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि कल रात क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग पीथमपुर एनर्जी पंप के पीछे बैठकर शराब पी रहे हैं और डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि करीब 6 लोग खाली मैदान में बैठकर पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 बजे हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल दंदर तरफ भ्रमण कर रही थी, उसी समय किसी इन्फॉर्मर ने बताया कि एनर्जी पेट्रोल पंप के पीछे खुला मैदान पड़ा है, सुनसान है, अंधेरा है, वहाँ पर करीब 6-7 लोग बैठे हैं, शराब पी रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आज इस पेट्रोल पंप को आज लूटना है। सूचना मिली तो हमारे गश्ती दल में सब इंस्पेक्टर बड़ोनिया और उनके साथ में 5-6 कर्मचारी अन्य थे, इन्होंने मौके पर जाकर देखा कि वाकई में वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। घेराबंदी करके इनको पकड़ा, इनके कब्जे से 2 चाकू, 1 टामी, 2 डंडे और मिर्च पाउडर ये बरामद हुआ है। और इनकी योजना थी कि एनर्जी पेट्रोल पंप को लूटना है आज रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में। बदमाशों में अधिकतर जो उम्र है इनकी 22 वर्ष से 26 वर्ष के बीच के नए लड़के हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी कई चोरियां करना कबूल की है। अभी 3 दिन पहले भी एक शेपर्ड साइज कंपनी में एल्यूमिनियम का माल, करीब 4-5 लाख रुपए का माल इनने चोरी किया है, उसके संबंध में प्रकरण दर्ज है, इसमें पूछताछ की जा रही है और माल बरामद की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। आपका नाम? संतोष दूध, PI। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, पीथमपुर।